आपकी माइक्रोसॉफ्ट वाली दीदी वेलकम टू अपना कॉलेज आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेम डेवलपमेंट के बारे में अब हमें से कई लोग होंगे जिन्होंने कोविड टाइम्स में आया या ऐसे यूजुअली अमंगस खेला होगा सी एस गो खेला होगा पबजी खेला होगा फोर्थ खेला होगा माइंड खेला होगा ऐसे बहुत सारे वीडियो गेम्स हैं बचपन में जी टी वाई सी खेला करते थे तो ऐसे काफ़ी सारे वीडियो गेम्स हैं बचपन से क्यूरियोसिटी रहती है कि एक्चुअली बनते कैसे हैं क्या कोडिंग करती पड़ती है गेम्स को बनाने के लिए इनकी जो प्लेयर्स होते हैं उनकी स्किन्स कौन डिज़ाइन करता है जो आवाज़ें आती है साउंड आती हैं वो कौन डिज़ाइन करता है जो अगर बुलेट जा रही है किसी गन से निकल तो की जो स्पीड है वो कहां पे जाके लगेगी टारगेट जो है वो सारी चीजें कौन डिजाइन करता है बैठकर तो आज की वीडियो में हम इन्हीं सब के बारे में बात कर रहे होंगे कि आप अगर गेम डेवलपमेंट में एक करियर बनाना चाहते तो क्यों हमें एक करियर बनाना चाहिए और वहां तक जाने का एक स्टेप बाय स्टेप रोड मैप क्या रहेगा पिछले दो साल की अगर बात करें तो पैंडेमिक के अंदर गेम डेवलपमेंट की जो इंडस्ट्री है वो एक बिलियन डॉलर की वर्थ की हो गई है वीडियो गेम्स की जो इंडस्ट्री है वो वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री है जिसमें म्यूजिक की इंडस्ट्री से भी ज्यादा आज के दिन वैल्यूएशन है इसीलिए गेम डेवलपमेंट का जो क्रेज है वो ईयर बाय ईयर बढ़ रहा है इसमें जो सैलरीज होती है लोगों की या फिर लोगों की जो अर्निंग्स होती है वो भी बढ़ रही है अगर आप एक अच्छे स्किल गेम डेवलपर हैं तो अब गेम डेवलपमेंट सुन के हमें थोड़ा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की याद आती है और हमें पता है कि कोडर्स बैठ के पूरा दिन कोड करते रहते हैं तो यहाँ पर हमें ऐसा भी लगता है कि गेम डेवलपमेंट में भी क्या सिर्फ कोड करना पड़ता है तो ऐसा नहीं है अगर हमें कोडिंग या प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट नहीं है तो भी हम गेम डेवलपमेंट की इंडस्ट्री में जा सकते हैं क्योंकि गेम डेवलपमेंट सिर्फ कोडिंग या प्रोग्रामिंग से नहीं होता उसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स होते हैं जिनके अंदर जाकर हम अपने इंटरेस्ट के अनुसार चीज़ें सीख सकते हैं वहां से इनकम लेकर आ सकते हैं और अपने इंटरेस्ट का एक करियर परस्यू कर सकते हैं अब गेम के काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिसका पहला कंपोनेंट ऑब्वियसली प्रोग्रामिंग होता है क्योंकि वो उसकी वजह से चीज़ें जो हैं हमारे कंप्यूटर पर हमारी वेबसाइट्स पर या फिर हमारे फ़ोन्स पर चल रही होती हैं उसके अलावा थ्री डी मॉडलिंग या कॉन्सेप्ट आर्ट जो कैरेक्टर्स डिज़ाइन करते हैं जो हमारे सीन्स डिज़ाइन करते हैं वो लोग साउंड डिज़ाइन या फिर इंडी इंडी कहते हैं इंडिविजुअल गेम डेवलपर को जो पूरा का पूरा गेम खुद से बनाते हैं काफ़ी सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं गेम डेवलपमेंट के और जिसमें हमारा इंटरेस्ट है हमें उसको अच्छे से परस्यू करना चाहिए अब यूजुअली क्या होता है गेम डेवलपमेंट का जो एक प्रोसेस होता है ये गेम स्टूडियोज़ करते हैं गेम स्टूडियोज़ जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं और वो क्या करती हैं बहुत सारे लोगों को हायर करती हैं किसी एक का काम होता है किसी एक कैरेक्टर को डिज़ाइन करना किसी एक का काम होता है साउंड को डिज़ाइन करना किसी एक का काम होता है स्टोरी को डिज़ाइन करना तो इस तरीके से सबका रोल अलग अलग होता है पर इंडीज़ क्या होते हैं गेम डेवलपमेंट में इंडीज इंडिविजुअल लोग होते हैं जो पूरे के पूरे गेम को खुद से डिजाइन कर रहे होते हैं अब जब हम बिगिनर होते हैं हम ऑब्वियसली एक बीस पचास सौ लोगों की टीम तो फॉर्म कर नहीं सकते इसीलिए शुरुआत में हमें सारे के सारे काम खुद से करने पड़ते हैं तो शुरू में जब हम गेम डेव के अंदर जाते हैं तो हम एक इंडी की तरह अपना पूरा का पूरा ऐप निकाल सकते हैं गेम बनाकर वेबसाइट निकाल सकते हैं और फिर उसको लॉन्च कर सकते हैं तो वो हमारा इंडिविजुअल प्रोडक्ट बन जाता है अब किसी भी गेम को चलाने के लिए एक गेम इंजन की जरूरत पड़ती है जैसे हम गाड़ी में बैठते हैं तो गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही होगी कितना पेट्रोल खाएगी उस गाड़ी का इंजन डिसाइड करता है वैसे ही जो गेम इंजन होता है वो डिफरेंट डिफरेंट चीजें डिसाइड करता है किसी भी गेम के अंदर मार्केट के अंदर बहुत सारे गेम इंजिन एग्जिस्ट करते हैं इनमें से कुछ फ्री हैं इनमें से कुछ पेड़ भी हैं पेड़ वाले यूजुअली बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज यूज किया करती हैं क्योंकि वो डायरेक्टली लाइसेंसेस खरीद लेती हैं या फिर आप अगर बहुत ज्यादा प्रोफेशनल बन जाए तब आप एक पेड़ इंजन की तरफ जा सकते हैं अब इस इंजन का काम होता है जैसे गेम के डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स को कंट्रोल करना किस टाइम पर कौन सी साउंड आएगी किस तरीके से कैसा मोशन जो है वो कैसा ग्राफिक किसी भी गेम के अंदर रेंडर हो रहा होगा इस तरीके की सारी चीजें या फिर अगर हम ऐसा गेम बना रहे हैं जिसके अंदर एक गन जो है बुलेट फायर कर रही है या कोई व्यक्ति दौड़ के जा रहा है तो उनकी जो स्पीड होगी या उनकी पर जो फिजिक्स के लॉज अप्लाई करेंगे इन गेम इंजिंस के अंदर ऑलरेडी बिल्ट इन टूल्स होते हैं जिसकी वजह से हमें खुद से पूरी की पूरी फिजिक्स नहीं सीखनी पड़ती खुद से पूरे के पूरे लॉज नहीं अप्लाई करने पड़ते वो ऑलरेडी बिल्ट इन टूल्स की हेल्प से हमारे लिए चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाती हैं अब काफी सारे फेमस गेम इंजिंस हैं जैसे यूनिटी हो गया सोर्स मेकर हो गया गेम मेकर हो गया टॉर्क हो गया एंड काफी सारे और मार्केट में अवेलेबल हैं जिन पर जाकर हम कोड कर सकते हैं तो जब भी हमें गेम डेवलपमेंट करने जाना होता है हमें अपने इंटरेस्ट के अनुसार डिसाइड करना पड़ता है कि कौन से गेम इंजन को हम सीख रहे होंगे कौन से गेम इंजन पर हम काम कर रहे होंगे और इसको डिसाइड करने का सबसे ठीक तरीका जो है वो है ये सोच लेना कि मुझे किस तरीके का गेम बनाना है अगर हम एक टू डी गेम बनाने वाले तो हम गेम मेकर की तरफ जा सकते हैं अगर हम टू डी और थ्री डी दोनों में इंटरेस्ट है या शुरुआत में टू डी करना चाहते हैं बाद में थ्री डी में शिफ्ट होना चाहते हैं और गेम इंजन चेंज नहीं करना चाहते तो हम यूनिटी नाम के गेम इंजन पर काम कर सकते हैं अगर हमें पावरफुल थ्री डी गेम्स बनाने हैं जैसे अगर हम अब प्रो बन गए हैं प्रोफेशनल लेवल के हम गेम डेवलपर बन गए और हमें काफी हैवी ग्राफिक्स चाहिए तो उसके इसमें अनरियल नाम का हम एक इंजन यूज कर सकते हैं और अगर अभी हमें बिगिनर है हमने गेम डेवलपमेंट शुरू नहीं किया तो एडवाइस ये होगी कि आप यूनिटी की तरफ जाइए क्योंकि यूनिटी क्या है एक डाइवर्स गेम इंजन है डाइवर्स मतलब अब जैसे आप गेम मेकर की बात करेंगे टू गेम्स के लिए तो उस पर बनाए हुए गेम सिर्फ विंडोज पर चल पाते हैं लेकिन यूनिटी आपको ऐसे गेम्स बनाकर देगा जो आप विंडोज पर भी चला लेंगे दूसरे सिस्टम पर भी चला लेंगे तो वो क्रॉस प्लेटफॉर्म होंगे और हम सिर्फ यूनिटी को यूज करके अपने जो गेम्स हैं उनको वेब के लिए भी बना सकते हैं कंसोल के लिए भी बना सकते हैं मोबाइल के लिए भी बना सकते हैं तो काफी डाइवर्स जो सिस्टम है वो हो जाता है अब यूनिटी के अंदर एक यूनिटी प्रो आता है जो यूजुअली पेड होता है पर स्टूडेंट से अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट है कॉलेज की ईमेल है हमारे पास तो हम वो डालकर उसको फ्री में यूज कर सकते हैं तो वो चीज एक प्लस हो जाती है अब बात करें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है गेम इंडस्ट्री में एंटर करने की तो क्वालिफिकेशन के लिए या तो हमने कोई भी एक साइंस रिलेटेड या टेक्नोलॉजी रिलेटेड डिग्री की हो तो वो अच्छा लगता है रेज्यूमे के ऊपर जैसे बी टेक एम टेक बी सी एम सी ए या फिर अगर आपने कोई डिप्लोमा भी किया है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सी प्लस प्लस में कर लिया सी शार्प में कर लिया पाइथन में कर लिया जावा में कर लिया तो वो रेज्यूमे पर देखने में अच्छा लगेगा वरना हमारे इंडिया में गेम डिजाइन के भी टू सिक्सटी टू कॉलेजेस हैं जिनमें जाकर हम एक गेम डिजाइनर बन सकते हैं गेम डिजाइन डिजाइनर की प्रॉपर डिग्री ले सकते हैं। अब वहाँ पर ह्यूमैनिटीज़ का, का, का कॉमर्स साइंस कोई भी स्टूडेंट जाकर उस डिग्री को कर सकता है ये दोनों एग्जाम्स काफी पॉपुलर है अगर आपको डिजाइनिंग में जाना है या वो गेम डिजाइनिंग हो या फिर वो डिफरेंट आपके ग्राफिक डिजाइनिंग हो गेम्स के अंदर इसके अलावा हम गेम आर्ट भी कर सकते हैं यानी टू डी थ्री डी आर्ट या फिर वी एफ एक्स वगैरह में हम डिप्लोमा ले सकते हैं जो लोग एडिटिंग साइड में है जो लोग एडिटिंग साइड में है वो वी एफ एक्स सीख कर गेम डेवलपमेंट वाली इंडस्ट्री में भी घुस सकते हैं तो इस तरीके की कुछ कुछ डिप्लोमा कुछ कुछ डिग्रीज हैं जो हेल्पफुल रहती हैं अब स्किल्स के मामले में हमें क्या क्या आना चाहिए एज अ गेम डेवलपर एक तो हम एक्सपीरियंस हो किसी एटलीस्ट एक गेम इंजन में अब यूनिटी काफी अच्छा गेम इंजन है जिसके अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बहुत सारी हैं तो हम उसमें जाकर सीख सकते हैं अगर कंफ्यूज है तो नहीं तो आप अपनी मर्जी का कोई भी गेम इंजन पर अच्छे से कमांड लाकर उसको सीख सकते हैं और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की टर्म्स में हमें सी प्लस सी पाइथन ऐसी कुछ कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आनी चाहिए और हर गेम इंजन के हिसाब से अलग अलग होती है यूनिटी के अंदर अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज होती हैं हमारे गेम मेकर के अंदर अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज होती हैं। तो इस हिसाब से हमारे इंजन एक तरीके से हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिफाइन कर रहा होगा अब अगर हम एक बिगिनर हैं तो सबसे पहला सवाल दिमाग में आता है कि शुरू कैसे करें तो शुरू करने के लिए थ्री स्टेप स्ट्रैटेजी है सबसे पहला लर्न करना लर्न क्या करना है शुरुआत में छोटे गेम्स बनाने यानी टेक्स्ट बेस्ड जिसमें हम कुछ कुछ लिख कर गेम खेल रहे हैं उसके बाद टू गेम्स की तरफ बढ़ना है जैसे मारियो हो गया उसके बाद थ्री गेम्स की तरफ बढ़ना है जिसमें हैवी मोशन ग्राफिक्स हैं जिसमें आपके फ्रेम्स पर सेकेंड एफ का बहुत ध्यान दे रहे हैं जैसे हमारा पबजी हो गया तो इस तरीके का स्टेप बाय स्टेप अप्रोच लेंगे तो हम गेम डेवलपमेंट में और बेटर होंगे उसके बाद करना है पार्टिसिपेट और बिल्ड अपने खुद के गेम्स बनाएं अगर आप सिर्फ कैरेक्टर्स डिजाइन करते हैं या फिर सिर्फ स्किन्स डिजाइन करते हैं ग्राफिक्स डिजाइन करते हैं तो पहले वो चीज बिल्ड करें या फिर अगर आप ऐप ही डिजाइन करते हैं तो गेम पूरा का पूरा बिल्ड करें एक हमारे गेम जैम्स करके हैकथॉन्स होते हैं जो चौबीस घंटे फोर्टी घंटे चलते हैं जिसके अंदर आपको टास्क दे देती है कोई ना कोई गेम स्टूडियो या फिर जो भी ऑर्गेनाइज करता है कि आप एक गेम बनाइए इस कॉन्सेप्ट के ऊपर तो वहां पर पार्टिसिपेट करके आप अपनी स्किल्स को बढ़ा सकते हैं लर्निंग्स को बढ़ा सकते हैं एंड अच्छे अच्छे प्राइजेस एंड मनी भी अर्न कर सकते हैं और तीसरा स्टेप होगा काम करने का अब फ्री लैंसिंग ऑपरचुनिटीज भी अवेलेबल होती हैं गेमिंग इंडस्ट्रीज में जिनको आप जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं साथ के साथ आप पब्लिशिंग डील कर सकते हैं जो वीडियो गेम डेवलपर्स होते हैं जैसे वूडू नाम की कंपनी उनके साथ आप डील्स कर सकते हैं तो वो आपकी मार्केटिंग वगैरह देख लेती है गेम डेवलपमेंट की और आपको एज अ डेवलपर सिर्फ अपनी गेम बनाने वाली स्किल पर ध्यान देना साथ के साथ आप गेमिंग स्टूडियोज के साथ भी काम कर सकते हैं जैसे यू बी सॉफ्ट होगी उनमें हायर होकर आपकी जो पर्टिकुलर नीच है जो पर्टिकुलर स्किल है उसमें जाकर आप काम करें और आजकल गेमिफिकेशन कंपनीज बहुत सारी आ गई हैं जैसे बाईजूज आ गया मेक माय ट्रिप आ गया या फिर जोमेटो आ गया इन एप्स के अंदर क्या होता है गेमिफिकेशन होती है कि हमारी जो सिंपल सी ऐप है उसको कैसे इंटरेस्टिंग बना दे गेम जैसा कि लोग मोटिवेट हो उसको यूज करने के लिए तो उस तरीके से गेमिफिकेशन वाली इंडस्ट्री में बहुत सारे जो है गेम डेवलपर्स हायर होते हैं और ये गेमिफिकेशन वाली चीज एजुकेशन में फाइनेंस में हर जगह आजकल बढ़ी रही है जैसे जैसे नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं सैलरी रेंज की अगर बात करें तो एवरेज सैलरी जो फ्रेशर्स के लिए रहती है अगर आप डिजाइन साइड से आ रहे हैं तो वो थ्री एल से शुरू होती है अगर आप इंजीनियरिंग साइड से आ रहे हैं तो वो फोर पॉइंट से शुरू होती है लेकिन कुछ कुछ केसेज ऐसे होते हैं जिन्होंने कॉलेज के अंदर दो साल बहुत अच्छे से गेम डेवलपमेंट किया और अब वो टेन टू ट्वेल्व एल का पैकेज लेकर जा रहे हैं एंड इन जनरल इंडस्ट्री में सिक्स टू एट ईयर्स का अगर आपको एक्सपीरियंस होता है तो ट्वेंटी फोर प्लस एल तक हमारी जो सैलरी है वो जा सकती है अब ये हमारी स्किल्स पर डिपेंड करता है जितना अच्छे से और जितना फास्ट स्किल्स सीख रहे होंगे उतना हमारी स्किल्स बेटर होंगी एंड ऑब्वियसली ये एवरेज फिगर्स हैं अगर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं किसी भी फील्ड में तो आप एवरेज से बहुत ज़्यादा एटलीस्ट टेन टाइम्स कमाने का पोटेंशियल रखते हैं तो उस चीज़ पर हमें हमेशा यकीन करना चाहिए आई होप कि गेम डेवलपमेंट से रिलेटेड जो डाउट्स थे वो थोड़े बहुत क्लियर हुए होंगे आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग